हमें समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए शौर्य। मैं अभी भारत नगर जा रहा हूँ। रुक जाओ बालवीर, हम सब साथ चलेंगे। मैं भी साथ चलूंगी। नहीं किकी, तुम्हें पता है ना, पृथ्वी पर तुम्हारी जान को खतरा है, तुम वहां नहीं आ सकती। माँ, हम पहले ही बहुत परियक हो चुके हैं और परियों को कुछ होते हुए मैं नहीं देख सकता। मैं अकेला ही जाऊंगा। नहीं बालवीर, तुम कमजोर हो रहे हो। लेकिन शौर्य, तुम्हें जरूरत पड़ेगी परियों की। हाँ बालवीर। इससे पहले काल्लोक वाले हमारे उत्तराधिकारी तक पहुंचे, हमें उस तक पहुंचना होगा। वाह भैरानी तमनासा, हमने सुना है आप बालवीर से भय खा के भाग आई। भैरानी, हमारी भैरानी तो भय पोक निकली। अरे अरे अक्रूर, ऐसा नहीं करते। इसमें नाराज होने वाली बात क्या है भला? वैसे भैमार, अगर तुम अपना ये कीमती समय ये बकवास चुटकुला बनाने में ना लगाते और मेरी चाल समझने में लगा लेते तो आज यहाँ पर अपनी बेइज्जती कराने नहीं आते। अरे भैरानी, इन्हें फर्क नहीं पड़ता, ये तो बेइज्जती कराते हैं शौकिया। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कह रहे बाहर। वैसे भैमार, मेरा मकसद बालवीर को मारना था ही नहीं, पर क्या है ना, तुम्हें कुछ बातें बोलकर नहीं बल्कि दिखाकर समझ आती है। इससे क्या फायदा, बालवीर को तो वैसे भी पता चल ही जाएगा ना। बालवीर अगर परियों के साथ आ गया तो भैमार, कभी तो इस्तेमाल किया करो अपनी अक्ल का। नन्नी उंगली की कसम बहरानी, ये कहां से अकल इस्तेमाल करेगा, इसकी अकल तो मेरी नन्नी उंगली से भी छोटी है। मेरे सेनापति की बात सुनकर ये उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी। मैंने तुम दोनों के ऊपर एक ऐसा ऊर्जा कवच बनाया जिससे तुम्हारे साथी जो तुम्हें ढूंढ रहे हैं वो कभी तुम्हें नहीं देख पाएंगे कि तुम कहाँ हो। तुम हमारी चिंता मत करो, जब तक हम सब साथ हैं हमें कुछ नहीं होगा। हाँ, हमारी एकता ही हमारी ताकत है।
तुम परियों के साथ मिलकर पृथ्वी लोक जाओ, मैं यहाँ शौर्य के साथ रहकर आगे की योजना बनाती हूँ। ठीक है माँ, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो काल लोक वाले भी वहाँ आएंगे। इससे पहले कि वो मेरे उत्तराधिकारी तक पहुंचे, हमें उसे ढूंढना होगा। अब हम वीर लोग तभी वापस आएंगे जब हमें हमारा उत्तराधिकारी मिल जाएगा। चलो अब जल्दी से बता दो कि आखिर बालवीर पृथ्वी पर क्या कर रहा है। चलो जल्दी बताओ। नहीं बताओगी? नहीं तो फिर ठीक है, तैयार हो जाओ अक्रूर का खाना बनने के लिए। अक्रूर, देख लिया ना अंजाम ना बताने का? अब अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें बख्श दूं तो मुझे बता दो बालवीर कहाँ है। बहुत घुटन हो रही होगी ना इन पेड़ियों में, गुस्सा आ रहा होगा, जादू काम नहीं कर रहा। सही कहा तुम गासा, चाहे तुम मुझे भी मार डालोगी ना तब भी कुछ नहीं बताऊंगी। नहीं बताओगी? कोई बात नहीं, ये जानने के लिए मुझे तुम्हारी जबान की नहीं, तुम्हारे दिमाग की जरूरत है। और उसमें मैं माहिर हूं। मैंने मारा है बालवीर, तुम्हारी शक्तियां कम हो रही हैं। कोई तो तरीका होगा जिससे ये दुनिया अपने बालवीर को ना खोए। उसका एक ही रास्ता है, दुनिया को उसका नया बालवीर मिल जाए, पृथ्वी पे मिलेगा, तुम्हें तुम्हारा उत्तराधिकारी। पृथ्वी पर दूसरा बालवीर? आप सभी ने अब तक बालवीर की कई काल्पनिक कहानियां तो सुनी होगी और कुछ बेवकूफ लोगों ने तो उसे सच भी मान लिया होगा, लेकिन सच तो सिर्फ ये है कि इस कॉलोनी का सिर्फ एक ही बॉडीगार्ड है जो अब उड़ने भी लगा है। तू उड़ने नहीं, फेंकने लगा है। ए इंसान के विष में घूमते हुए पाइनएप्पल, मैं उड़ा था मतलब उड़ा था, विवान कभी झूठ नहीं बोलता। विवान झूठ नहीं बोलता, बट ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। हाँ एक आधा झूठ बोला होगा मैंने कभी यूं ही पासिंग में, लेकिन ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अरे मैं सच्चे में पूरे 10 फीट तक उड़ा था, वो भी बिना मेरी मर्जी के। इस भारत नगर में कुछ तो गड़बड़ चल रही है और वो हमें पता करनी ही चाहिए। कर कर, पता चल जाए तो हमें भी याद से बता देना। चल चिंटी, और तुम भी का इसकी कहानियां सुनने में लगे हो, चलो सब। तू क्यों ऐसी बातें करके अपना पोपट करता रहता है और कुछ नहीं बचाता करने को जो अब तू उड़ने भी लग गया। ऐसा भी तो हो सकता है जैसे तेज बाइक के चलने से आसपास के पत्ते उड़ने लगे हो, कहीं बालवीर रुके गए हो साइड से और तू भी उड़ने लगा हो। फिर कितनी बार कहूँ कि बालवीर वालवीर कुछ नहीं होता। धोनी परी, पानी परी, हमारे पास समय कम है इसलिए मैंने एक योजना बनाई, मुझे उसमें आप दोनों की मदद चाहिए। जैसा तुम कहो बाली, हम तुम्हारे साथ हैं। बस फिर जब हम सब साथ हैं तो हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता।
अब हमें नया बालवीर ढूंढने से कोई नहीं रोक सकता। आई मी और माई सेल्फ पे शक कर रहे हैं ना ये लोग। पता तो मैं करके रहूंगा कि इस भारत नगर में क्या गड़बड़ चल रही है। के अंदर तो कोई भी नहीं दिख रहा है। तो ये लाइट ऑन ऑफ कैसे हो रही है? ये तो जादू हो रहा है। विमान क्या कर, देखो क्या हो रहा है। अंकल के ऊपर नीचे होने से घड़ी की लाइट ऑन ऑफ कैसे हो रही है? हाँ, गाड़ी में कोई बैठा भी नहीं है। देखा, मैं नहीं कह रहा था, उस कॉलोनी में कोई तो है जो जादू कर रहा है। लगता ही वही अंकल है। मैं अभी जाके इसकी क्लास लेता हूँ। अरे विमान क्या कर रहा है? एक तो साइज में बड़े है, ऊपर से जादूगर भी है। आइडिया, सारे बच्चों को इकट्ठा कर साथ में अटैक करते हैं, कहीं हाथ से ना निकल जाए। विवान सही कह रहा था, हमने अपनी आंखों से देखा है, एक जादूगर है वहाँ पे। इसलिए मैं कहता हूँ, लाइफ में कुछ भी करना, बस विवान पे शक मत करना। अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना। आज तो उस जादूगर को पकड़ के पूछेंगे कि आखिर वो यहाँ पे कर क्या रहा है। दूसरा बालवीर पृथ्वी पर है, वो तुम्हारा उत्तराधिकारी है बालवीर, उसे ढूंढना होगा, ढूंढना होगा। तिम्नासा, जब से तुमने नए बालवीर के होने की खबर सुनी है डर सी गई हो। डर तो गई हूँ भैमार, लेकिन अपने लिए नहीं, इस काल लोक के लिए। अगर उन्हें उनका उत्तराधिकारी मिल गया तो उनकी शक्तियां दोगुना हो जाएंगी, जो इस काल लोक के लिए खतरे का संकेत है। हमारा ये काल लोक खत्म हो सकता है। यहाँ चाहे किसी का भी राज चले तिम्नासा, ये काल लोक मेरा घर है और अपने घर पे कभी आंच नहीं आने दूंगा मैं। काल लोक मेरा घर है और अपने घर पे कभी आंच नहीं आने दूंगा मैं। काल लोक के लिए तुम्हारी वफादारी जानती हूँ मैं भैमर। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी भैमार। हम दोनों की जंग चलती रहेगी, पर बालवीर के खिलाफ इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूं। काल लोक के लिए तुम्हारी वफादारी को लेकर मुझे कोई शक नहीं है भैमार। करना सिर्फ इतना होगा कि जहां तुमने आखिरी बार बालवीर को छोड़ा था उसका उत्तराधिकारी वहीं ढूंढना होगा। उसके हाथ पर कुछ ऐसा निशान होगा। हमें बालवीर को नहीं उसके उत्तराधिकारी को ढूंढना है। तुम मेरे साथ हो ना भैमार?
मैं काल लोक के साथ हूं। यहाँ के लोग मुझे उस दिन की लड़ाई की वजह से जानते हैं, इसलिए हमें संभल कर नए बालवीर को ढूंढना होगा। पानी परी, ध्वनि परी, क्या वो बुलबुले तैयार है जिसके लिए मैंने आपसे कहा था? ये लो बालवीर, जैसी ध्वनि तुम्हें चाहिए थी ध्वनि परी ने बिल्कुल वैसी ही ध्वनि इन बुलबुलों में मिला दी है। हाँ, ये देखने में मामूली बुलबुले होंगे, लेकिन इनमें वो खास ध्वनि है जो कि बच्चों के कान में जैसे ही पड़ेगी सारे बच्चे खुद ब खुद तुम्हारी तरफ खिंचे चले आएंगे, और अगर बड़ों के कान में पड़ेगी तो वो चैन से सो जाएंगे। लेकिन जब तुम चाहोगे तब। अब जल्दी ही मिल जाएगा हमें हमारा उत्तराधिकारी। भारत नगर के सारे बच्चे यहीं मिल गए, इनमें से कोई होगा मेरा उत्तराधिकारी। गाड़ी की लाइट आप ऑन ऑफ कर रहे थे? और नहीं तो क्या, अरे इन्हीं की तो गाड़ी है। तुम लोगों ने मुझे मार डाला। आई क्या हो रहा है ये? अरे मुन्ना जी, आप इतने पिटे पिटे क्यों लग रहे हैं? पिटे पिटे क्यों लग रहे हैं? आपके बेटे विवान ने और उसकी टोली ने मिल मिल कर बहुत पीटा है। बोलो नहीं सुनो, किसका आइडिया था मिश्रा जी को पीटने का? हाँ आगे आओ। विवान तू सुधरेगा नहीं ना। अरे जिस मोहल्ले में नया बालवीर है उसी मोहल्ले में दूसरी तरफ ऐसा बच्चा है जिसमें काल लोक के सारे लक्षण है। अरे मम्मी, मेरी पिटाई करी से पहले मेरे अंकल को मारने का रीजन तो सुन लो। क्या क्या? अरे मुझे लगा ये वो अंकल है जो जादू से बच्चों को हवा में उड़ाते हैं। क्या? अरे आप बातचीत बंद करिए, इसको पीटिए। तुझे तो मैं बता नहीं मम्मी, नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। कहाँ भाग रहे? दौड़ो, नहीं रुको। बालवीर जैसा बेटा चाहता मैंने, डाकू जैसा हो गया। हाँ मैं वो वाला डाकू जो मोहल्ले वाले की मुझे मदद पे डाका डाल दो। अच्छा बता दिया तुझे। कितना शरारती बच्चा है ये, मैंने कुछ नहीं किया।
अब कैसे ढूंढेंगे हम हमारा उत्तराधिकारी?